राम भगवान से पहली बार विभीषण यहाँ पे मिले थे, फर्स्ट टाइम मीटिंग उनकी यहाँ पे होती, वो सबसे बड़े भक्त थे राम भगवान के। और ये तुम्हारा भाई खाने वाला ऐसे नहीं पकेगा भी उधर। भाई अब हम आपको लेके जाएंगे इंडिया की 5 अनोखी जगह जो आपने सिर्फ ना देखी होगी ना सुनी होगी। तो मैं आपको इंडिया की 5 अनोखी जगह पर लेके जाऊंगा जो बहुत पुरानी है और बहुत एंटिक है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार कमेंट मार के जरूर बताएं आपकी फेवरेट ट्रेन फेवरेट जगह कौन सी है। और तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो आइए आपको एक नई जर्नी और नई जगह पर लेके जाते हैं। शुरू करते हैं, आ गए हैं एक ऐसी अनोखी जगह। ये एक ऐसा चर्च है जो काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हो, कह सकते हैं कि इसे 1000 साल पुराना हो गया होगा कम से कम। और इसका आधा जो पार्ट है ना, इसके पीछे का पार्ट जो है वो पानी में डूब गया है, पीछे समुंदर है, उससे मतलब लहरें आई थी 1964 में, तो उससे पूरा बर्बाद हो गया एक तरीके का। तो आप ये देख सकते हो, ये 1964 में इसका आधा पार्ट चले गया है, उसके बाद कितना पुराना है ये आप देख सकते हो। ये एंटिक जगह है, नंबर वन ये होगी। अब नंबर टू पे चलते हैं, आइए। तो सेकंड वो था ओल्ड चर्च, अब सेकंड बात मैं आपको और बताता हूँ कि देखो यहाँ पे चारों तरफ जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेत ही रेत है, आप देख सकते हो चारों तरफ। और यहाँ पे देखो एक अनोखा कुआं बना रखा है जिसमें पानी कुदरती आ रहा है, देखो ये आप देख सकते हो चारों तरफ रेत ही रेत है। और यहाँ पानी देखो, ये आप देख रहे हो पानी इसके अंदर, ये पानी है और चारों तरफ रेत ही रेत है। तो भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो मैं आपको 5 चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत एंटिक चीज़ है, एंटिक जगह है। अगर एक बार आप भी आओगे ना तो आपको मज़ा आएगा। आप चलते हैं तीसरी जगह पे जो हमारा ड्राइवर दिखाएगा, आइए। तो फिलहाल हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप बढ़िया बढ़िया वाले, और दिखाना आंटी। और ये देखो अभी मछली पकड़ के लाई है, अभी भूज के खाएंगे, ये देखो अजीत देखा, ये तो अजीत वन पीस बोलते, वन पीस तो ये तुम्हारा भाई खाने वाला ऐसे नहीं पकेगा भी उधर। तो अभी यहाँ पे साउथ खाना होएगी और उसके बाद में सीधा उधर चलता रहता ना, पूरी फ्रेश है भी पकड़ के लाए समुंदर से, बढ़िया। हेलो अम्मा, टेस्टी अभी मछली बनेगी, उसके बाद मछली खाएगा ये। ले ला भैया, अरे छोड़ना अम्मा, छोड़ना ही है हम बोले भाई, जो बड़ा बड़ा खाते हैं और शाम में डोसा बस। तो भाई जगह है 3, पहला ओल्ड चर्च, दूसरा रेतों के बीच में वो कुआं, अब फिर हमने कुछ खाना वाना खाया, भूख लग रही थी और भी शूट कर रहे हैं। अब जगह है तीसरी जो है विभीषण का मंदिर, मैं तो वही बोलूँगा पूरी इंडिया में ना एक ही मंदिर है विभीषण का, ये चीज़ आने इसलिए ये एंटीक है बिल्कुल। अब विभीषण का मंदिर इस तरफ भी समुंदर है और इस तरफ भी समुंदर है, तो जगह है तीसरी ये। और विभीषण के मंदिर के बाद हम चौथी जगह जाएंगे जहाँ पर राम जी के ने पत्थर थे ना, उस जगह पर जाएंगे जो अभी आज भी तक है। तो ये विभीषण के मंदिर की हम मौज उड़ाएंगे और दर्शन करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक कह रहा भाई संजय? ठीक है, चलते हैं अंदर। ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये पहले ये देख लो आप पहली बार, फिर ये देख लो सब जल के करे छे राजा बना माटे अभिषेक करे छे मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ी प्यार से सुनना और वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो ऐसा था, जब वो विभीषण जो थे, क्या नाम है, लंका पति रावण के भाई, ठीक है, तो उन्होंने वो पहली बार मिले थे, विभीषण जो आए थे अपनी इंडिया में, तो वो ये जगह है जहाँ पर राम जी से मिले थे विभीषण। तो आप ये जगह देख सकते हो, यहाँ पर राम जी से मिले थे विभीषण,
चारों तरफ देख रहे हो आप, उस तरफ ये देख रहे हो आपको, वो राम सेतु वाला जो जगह जा रहे थे वो वहाँ से जा रहा था, तो इस जगह पे मिले थे विभीषण, देख सको सही कहना मतलब कह रहे हो, क्या हुआ था तू बता। राम भगवान से पहली बार विभीषण यहाँ पे मिले थे, फर्स्ट टाइम मीटिंग उनकी यहाँ पे होती, वो सबसे बड़े भक्त थे राम भगवान के विभीषण। तो ये बिल्कुल सच्चाई है भाई, सबसे पहली बार मिले थे यहाँ पे, उसके बाद वो उन्होंने बताया कि कैसे लंका को आग लगानी है, क्या करना है, वो सारी कैबिनेट की जो मीटिंग थी ना वो यहीं पे हुई थी, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप समझाओगे तो हाँ सारे मतलब जो बात है ना सारे भेद यहीं खोल दिए थे भाई। अब चलते हैं चौथी जगह, वो कौन सी है हमारा ड्राइवर बताएगा, हमें भी नहीं पता। तो भाई नंबर चार पर जो हम बात करेंगे वो है हाउस ऑफ कलाम, जैसे कि आप देख सकते हो हाउस ऑफ कलाम में क्या है, एक ए डॉक्टर ए पी जी अब्दुल कलाम देख रहे हो, ये दुनिया में है नहीं, इनकी कुछ यादें जो जुड़ी हुई हैं वो हम दिखाते हैं आपको। तो ये जा रहे हैं हम ऊपर, चलते हैं चप्पल चप्पल पानी, अब हम जा रहे हैं ऊपर गया था अभी ए पी जी अब्दुल कलाम के, इनका जो कुछ यादें इनकी डिग्री है वो रियल में अंदर रखी हुई है, इनकी कपड़े जो हैं फोर्स के वो भी रखे पड़े हैं। तो वो अब चलते हैं पांचवें नंबर पे जहाँ पे पत्थर तैर रहा है, अब वो देखते हैं कि रियल है कि नकली है। तो पांचवी जगह पे चलते हैं, तो हमारा ऑटो वाला भी आ रहा है, ऑटो ही करना पड़ता है यहाँ पे, कोई टैक्सी तगड़ी वाली चलती नहीं है, ऑटो में ही फायदा है। अब हम ऑटो में बैठ गए, आपको डायरेक्ट वहीं मिलते हैं पांचवी जगह पे। जगह है पांचवी और अनदेखी, जो किसी ने देखी नहीं है और किसी ने मतलब अपने नॉर्थ तरफ की बात कर रहा हूँ, किसी ने देखी नहीं होगी। इस जगह पे राम जी का एक पत्थर है जो बिल्कुल तैर रहा है, कहते थे ऐसा। और भाई हम भी देख लेते हैं एक बार कि आप सच में तैर रहा है कि मजाक कर रखा है, जैसे मेले में होता ना मजाक मजाक करते हैं, तो भाई हम भी एक बार देख लेते हैं कि पत्थर तैर रहा है कि नहीं तैर रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पत्थर तैर रहा है कि नहीं तैर रहा, डायरेक्ट आपको पत्थर पर लेके चलता हूँ। ये थी पांच जगह जो बिल्कुल अनोखी है और एंटिक है बिल्कुल, मेरे को इतना पता कि आपने नॉर्थ वालों ने ये जगह देखी नहीं होगी, इतना पता है। दिल्ली, गाजियाबाद, कन्याकुमारी, ऊपर कश्मीर, यहाँ तक की वीडियो बना चुका हूँ अब तक मैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक कैमरा ये रहा, एक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ कन्याकुमारी, अभी फिर मुझे जम्मू जाना है, कहाँ जम्मू कहाँ कन्याकुमारी, भाई रिकॉर्डिंग करते रहते आप।
लोगों के लिए, आप लोगों के लिए धूप में इतनी गर्मी हो रही है रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, 1 लाख तो बनता, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप हमसे पर्सनल बातें करना चाहते हो बढ़िया बढ़िया, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, राहुल बाबा की मस्ती डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दुनिया इंडिया के आखिरी कोने में गया हूँ उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो भाई अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक नई जर्नी, एक नई और, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।